हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। आज बहुत दिन बाद टाइम मिला है तो सोचा आपके लिए एक ऑनलाइन वीडियो बनाया जाए। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था केमिकल रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे हम साइंस का, जो कि था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये जो भी जानकारी है ये देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल BLTC ऑनलाइन वाय प्रकाश सर को सब्सक्राइब करें। आपको जब भी मुझे टाइम मिलेगा वीडियो मिलते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, हमने उस दिन पढ़ा था केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज द डिफाइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। और हमने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक बार रिवाइज करते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप। सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स एड, जुड़ना, जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजन। नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन, टूटना, जिसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मीन्स जिसे कहते हैं विस्थापन, आयंस का डिस्प्लेसमेंट अपनी पोजिशन से दूसरी पोजिशन पे पहुंचना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट में एक आयन का डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है। आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन जुड़ती है। रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स अपचयन, इसमें ऑक्सीजन हटती है और हाइड्रोजन जुड़ती है। कुछ आप ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ होती है एक ही एग्जांपल में। इन दोनों को, ये दोनों रिएक्शन एक साथ हों तो उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मीन्स ऊष्मा शोषी। कुछ ऐसे रिएक्शन होती हैं जिनको करने के लिए हमें रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है या लाइट देनी पड़ती है या कोई कैटलिस्ट डालना पड़ता है। इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक, जिसमें हीट या ऊष्मा देनी पड़े। आफ्टर दैट एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन्स बाहर निकलना। कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें हीट बाहर निकलती है। जैसे सोडियम को अगर वाटर में डाला जाए तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट या धुआं बाहर निकलता है। इस तरह की रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये सब केमिकल रिएक्शन के टाइप हैं, एक एक करके हम इनको समझेंगे। सबसे पहली रिएक्शन जो आपको बताई गई थी वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिफाइन देख लेते हैं इसकी। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, जब दो या दो से ज्यादा तत्व कॉम्बाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, आपस में जुड़े और जुड़कर क्या बनाए, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मीन्स इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट जो होने चाहिए वो कम से कम दो होने चाहिए और प्रोडक्ट कितना होगा, होगा नहीं होगा, दो रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एक प्रोडक्ट, इसको इस तरह हम पहचान सकते हैं। इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कार्बन, कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो एक गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं। आफ्टर दैट CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। लाइम मीन्स बिना बुझा हुआ चूना। ये कैल्शियम ऑक्साइड जब CO2 से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3। तो ये जो भी एग्जांपल आपको लिखना है एग्जाम में वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। CA के देखिए यहाँ वन मॉलिक्यूल तो यहाँ पे भी वन, C का वन तो यहाँ भी वन, ऑक्सीजन के टू और वन थ्री, O3 क्या बन गया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। CaO प्लस H2, नेक्स्ट रिएक्शन CaO प्लस H2, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा CaOH2, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसका जो अदर नेम है वो है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम मीन्स बुझा हुआ चूना। देखिए इसको वाटर में डाल रहे हैं, ये जो चूना है इसको वाटर में डाल रहे हैं तो क्या बन गया, चूना बुझ गया, स्लेक्ड लाइम। पहले के ज़मानों में बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाई जाती थी उसमें सीमेंट का यूज नहीं होता था, चूने को इस तरह वाटर में मिला के सीमेंट की जगह यूज किया जाता था, तो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम। नेक्स्ट रिएक्शन वाटर किस तरह बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन के देखिए यहाँ 2 और 2 4 मॉलिक्यूल, तो यहाँ भी 2 2 4 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है लेकिन आगे 2 लगा हुआ तो 2 1 जाए कितने हो जाएंगे, 2, तो वाटर बन जाए। नेक्स्ट इज 2 Cu + O2। CO के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल, तो 2 हम आगे लगा देंगे CuO, ये बनता है क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड।
नेक्स्ट NH3, NH3 को बोलते हैं अमोनिया, एक गैस होती है, रिएक्शन करती है HCl, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक का तेजाब जो टॉयलेट क्लीनर के रूप में यूज किया जाता है। NH3 जब HCl से रिएक्शन करता है तो बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, जिसे हिंदी में से कहा जाता है नौसादत, नौसादत। ये NH4Cl एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सब्लिमेशन होता है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था सब्लिमेशन क्या होता है, हमने पढ़ा था कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती, लाइक कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स जो कपड़ों में रखते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ये सब एग्जांपल हैं सब्लिमेशन के, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थैंक यू।